कलर भी आपको होगा, वेट भी आपके बीच में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है? तो यार माशाल्लाह से हमारा सेटअप में बनता जा रहा है। आप देखें सामने रैबिट हाउस के पिलर भी लग चुके हैं और हमारा क्या है जो मेन काम था ना मिनी गोट फार्म का, वो ये फर्श था। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों यहाँ पर मट्टी डल चुकी है और ये सारा का सारा फर्श अब डलेगा, आज के दिन में डल जाएगा इंशाल्लाह। और यार अभी फिलहाल मिस्त्री मजदूर नीचे खाना खा रहे हैं घर में, तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं ऊपर आ जाता हूँ और आप सबको दिखा देता हूँ कि क्या क्या काम हुआ। अभी सिर्फ दोपहर का टाइम है दोस्तों, 1:30 का टाइम है, अभी शाम तक पता नहीं कितना काम होता है, फर्श कितना डलता है। और जो आज मेन काम है दोस्तों, आज मेन काम ये है, बताने में थोड़ा सा मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है यार। काम ये है कि यार ये जो हमारा ये डरबा देख रहे हैं, शुरू में यार मैंने इसको इतना प्यार से बनवाया था ना, तकरीबन मैं 3-4 साल पहले की बात कर रहा हूँ जब मैंने ये बनवाया था, और 1-1 रुपया इकट्ठा करके यार इसको मैंने बनवाया था। तो अब यार क्या है कि मसला करता है ये, एक तो काफ़ी पुराना हो चुका है और नीचे जो खुड्डे हैं ना चेन, ये बहुत तंग है, इनमें मुर्गियाँ चली जाती हैं या पिजन चले जाते हैं, तो वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो फिलहाल यार हम इस मुर्गी को यहाँ से उठाते हैं और मास्टर केज में रख देते हैं ताकि यार ये जब टूटे तो ये डरे ना। तो चलो यार सिपटैन शुरुआत करते हैं। ओके यार यहाँ से आया है सीधा अंदर चला गया। ये खुद निकल रहा है, तो आप निकल तो खुद है। ये देखो कैसे रिवर्स गियर मार रहा है। तो यार आज से हमारी मदर चिकन है मास्टर केज में रहेगी, यहाँ पर ये खुश भी रहेगी दोस्तों क्योंकि इधर ठंडक है, काफी ज्यादा गमले भी हैं और पानी भी गिरा रहता है, गर्मी भी नहीं लगेगी इसको। तो फिलहाल बाहर चलते हैं यार और भाई लोग आएंगे अभी। यार यहाँ पर ना कुछ आवाज सुनाई दे रही है हमें, जैसे कोई परिंदा नहीं फंसा हुआ था, हमारे परिंदे यार पूरे हैं लेकिन कोई शायद कोई चिड़िया यहाँ पर फंस गई हो। सीधा उनको कुर्सी लेकर अगर मैं चेक करूँ, जेब्रा फिंचेस जो उड़ी हैं इसके अंदर ना फंस गई हूँ यार, जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ दूसरी साइड से, क्या पता कोई छिपकली वगैरह हो, ये भी तो हो सकता है। दोबारा हलचल हुई तो दोबारा हम देखेंगे, अब रास्ता भी उसके लिए साफ है, जो चीज़ भी है वो निकल आएगी यहाँ से। तो यार फाइनली हमारा जो गोट फार्म था ना उसका जो कंस्ट्रक्शन वाला काम था, यानी कि सीमेंट और ईंटों वाला जो काम था, वो सारा हो चुका है। अब जो काम रहता है ना वो सारा फर्नीचर का, लकड़ी का काम रहता है, वो अगले दिन से शुरू होगा या जब हमें कोई मिस्त्री वगैरह है उसका कारीगर मिलेगा हम वो काम कराएंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको त्राप क्या कर रहा है। तो ये हो रहा है भाई, शुरू हो गया हमारा तोड़ फोड़ का काम। त्राप का दिल तो नहीं कर रहा होगा इसको तोड़ना, लेकिन हमारी मजबूरी है तो ये काम करना पड़ेगा। चेक करें यार, तोड़ना पड़ रहा है परिंदों के लिए, ये अच्छा बन जाएगा ना फिर ज्यादा मजा आएगा ना, परिंदे यहाँ पर खुश होंगे ना। अभी तो बहुत सही बात, बहुत ही इसको चाह से हमने बनवाया था क्योंकि पहला यही था हमारा जब हमने सेटअप शुरू किया था या हमने वीडियोज बनाना शुरू की थी ना, इसी पिंजरे से शुरू की थी। ये जो है आपके सामने नजर आ रहे हैं और आज ये दिन आ गया कि इसी को ही तोड़ना पड़ रहा है यार, अभी अजीब सा फील हो रहा है। कबूतर उड़ गया। चलो ऊपर वाला सारा पोर्शन हमने उतार दिया है, अब बारी है नीचे वाले पोर्शन की। बहुत ही खतरनाक है यार, इसके अंदर सांप भी हो सकते हैं। हैं सांप तो नहीं यार, बिच्छू वगैरह लाटने होंगे पक्का, क्या पता सांप हो भाई। टाइम से बंद है ना ये नीचे वाले खाने। हाँ ऐसे ही मुर्गियां जाती हैं फिर बीमार होके आती हैं यार। स्प्रे पड़ी है? स्प्रे नहीं, बॉर्डर है।
क्वार्टर पड़ा है जो भी है ले आओ। ये शोर सुन के ना हमारे सारे कबूतर ना उधर जाके बैठ गए, तो वे पहले की तरह डर गए, जैसे उस दिन डर गए थे ना, पूरी रात लगी थी इनको नीचे उतारते उतारते। अभी वही ना सीन हो जाए हमारे साथ, लेकिन ये काम तो करना जरूरी था ना टिक्स के लिए यार। भाई उसमें डालो, इनको मारो, जान छूटे इनसे। ख्याल करना हमारे ऊपर ना आ जाए। ये गए काम से। तो यार हमारा केज सारा का सारा टूट चुका है, और इंशाल्लाह हम बहुत जल्द बनाएंगे एक नया केज। तो दिल तो थोड़ा सा अजीब है, लग रहा है ना तोड़ने में, कभी छिकले निकल रही हैं, कभी इसमें से वो छोटे छोटे सांपे निकल रहे हैं, भाई डर लग रहा है। तो यार जो टिक्स है ना इधर इतना ज्यादा है यार, हमारे जो चूजे बीमार हुए हैं ना इन्हीं टिक्स की वजह से सितैन बीमार हुए हैं। और इसमें ना गंजी मुर्गी के अंडे मैंने सोचा था उठाएंगे, वो भी नीचे के सारे दब गए। छत टूटी है ना उसके ऊपर गिरे अंडों के ऊपर, छत गिरी है तो छत भी टूट गई, अंडे भी साथ टूट गए। तो ये अभी हाल हो गया सारा। तो मैं तो कहता भाई मैं तो क्यों, बाकी जो नहीं काम है ना, बाकी काम सुबह हो जाएगा ना, फिर सुबह करेंगे, क्योंकि अभी तो नहीं हो सकता ना शाम के टाइम। हाँ वैसे भी वो भी जाने लगे हैं मजदूर मिस्त्री भी जाने लगे हैं। चलो यार ये मैंने देखा है अभी, ये जो शिराजी कबूतर देख रहे हो ना तुम, हाँ ये शिराजी कबूतर जाता है इधर, ये वफादार के बच्चों को फीड करा रहा होता है, ये वाला कबूतर इधर, और मैंने देखा कि इनकी माँ इधर आई हुई होती है और शिराजी उधर आया होता है। यार ये क्या सीन है, फीड करा रही है उनको, अदला पदली हो गई यार, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा होता है क्या? यार मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ऐसा धोखा तो नहीं दे रही उसको वफादार को। यार इनके देखो बच्चे बड़े हो गए, इनको तो कलर में बहुत फर्क है यार इनके शिराजी के बच्चों और इनके बच्चों में, फिर भी शिराजी आ रहे हैं इनको फीड करा रहे हैं। मैं हैरान कि यार इस तरह से होता है क्या, किसी और कबूतर कोई और कबूतर किसी और के बच्चों को। भाई कमाल है यार, इस कबूतर की इसके इस कबूतर के साथ बनती होगी ना। देखो बच्चे देखो माशाल्लाह इनके बड़े हो गए यार, देखो ये देखो शिराजी के बच्चे। यार बेचारा बाप इनको अकेले में पाल रहे हैं, वो अब उसकी हेल्प करा रही है ना। हाँ, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है इनका, फिर भी ऐसे ही। हाँ, ये एक मिनट, अब हमें नहीं पता क्या चक्कर है। हाँ, ये तो वही है ना, इसको जख्म था ना। हाँ, इसका जख्म अब ठीक हो गया, बस थोड़ा सा रहते, बाकी ये बहुत प्यारे हो गए यार। देखे सिप्तान ऊपर हमने कपड़ा दे दिया दोस्तों, ताकि अपना धूप ना जा सके अंदर, गर्मी तो बहुत ज्यादा है यार। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, और अभी तो सेटअप भी हमारा बन रहा है। अभी रैबिट हाउस देखें दोस्तों, ये वाली दीवार लगी है, ये वाली अभी तो बाकी फर्श चल चुका है, और ये वाला टूट फूट हो गई है। तो बाकी मैंने ये दो अंडे उठाए हुए हैं, इस अंडे में ना क्रैक आ गया है, ये मैंने आपको दिखाना था। इधर क्यों लेके आ गए हो तुम, बातों बातों में भूल के ना इधर लेके आ गए हो। एक मिनट देखो ना क्रैक आया हुआ है। हाँ ऐसा ही है, बच्चे की आवाज आ रही है। हाँ बच्चे की आवाज आ रही है यार। चलो यार इसको वापस रख देते हैं, अंडे ये इसके अंडे हैं, और इनका जो बाप है ना वो ये बाप इनका बैठा हुआ है माशाल्लाह। मार क्यों रहे हो यार? तो अभी यार पता है कौन आने वाला है, अभी एक भाई आने वाले हैं, वो ना हमें फाउंटेन बना के देंगे, वो भी आएंगे, हमने बनवाना है यहाँ पर फाउंटेन, और मास्टर केज के अंदर फाउंटेन बनवाना है, और बहुत ही प्यारा हमने फाउंटेन बनवाना है। अभी वो आएंगे और हमें बताएंगे कि यहाँ पर बन पाता है या नहीं बन पाता, थोड़ा सा एस्टिमेट भी लगवाना है हमने। पहला दिन है इसका, और देखो ये कैसे पर लटका के खड़ी हुई है, कोई जगह ढूंढ रही है ये जहाँ पे आके बैठ सके और बच्चों के साथ जो है ना सुकून से बैठे। गर्मी है ना यार, गर्मी की वजह से ऐसे हो रहा है। अच्छा पहले तो अपने घर में थी ना, उधर हम छिड़काव वगैरह करते थे, लेकिन यहाँ पर भी ठंडा माहौल है यार, बाकी भी मुर्गियाँ रह रही है ना यहाँ पे। हाँ, तो सिर्फ यही तो नहीं रह रही, और भी तो रह रही है, तो इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगी। अभी स्ट्रेस में है ना, पहली दफा आ रही है मास्टर केज में, सही बात है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, जब तक इनका नया घर बनता है तो यहाँ पे इनको गुजारा करना पड़ेगा। भाई इधर बैठ जाते हैं ना आराम से, देखते हैं। ठीक है देखते जाओ भाई। जाएगी हमारी डेढ़ फुट, एक और डेढ़, ढाई ढाई और ढाई। ओके शुक्रिया। तो यार अभी अभी भाई जा रहे हैं, और काफी टाइम बैठे रहे, अब देखें अंधेरा होता जा रहा है, फुल शाम हो गई है। मैंने आपको बोला था दोस्तों कि हमने सिर्फ फाउंटेन बनवाना है, फाउंटेन नहीं बनवाना, अब और कुछ भी हमने ऐड किया है। वो ये किया है कि
ये जो आप पिलर देख रहे हैं दोस्तों, ये सारा का सारा ना हमने वुड वर्क कराना है। मतलब ऐसे लगेगा कि ये जो पिलर हैं ये लकड़ी के बने हुए हैं और लकड़ी की छत आएगी इनकी, तो बहुत प्यारा लगेगा। बाकी फाउंटेन की बात हो गई है यार, फाउंटेन ना बहुत महंगा बता रहे थे भाई, उन्होंने बोला है कि तकरीबन आपको फाउंटेन पे लगेगा 1,20,000। हमने बोला भाई हमें इतना महंगा नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मैंने बोला 10,000-12,000 का बनता है तो बना के दें, नहीं तो आप ना अपना फ़िलहाल ये पिलर ही बनाएं, हमें फाउंटेन नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला है मेरे पास एक फाउंटेन है बना बनाया, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो ले लें। तो मैंने बोला आप फिर वो मुझे पिक्चर भेज दें, मैं देखता हूँ। बाकी अभी बनवाना तो लाजमी है। बाकी यार थोड़ा सा मुझे उन्होंने जो रेट बताया है ना, मेरे ऐसे ही यार मैंने क्या सोचा हो, तो उन्होंने बोला क्या है कि 1,20,000 विद मटेरियल, तो बनाएंगे यार। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा दिल को झटका सा लगा है। ओहो, देखा ये देखो काला, ये खराब है, ये ठीक है सिपी। हाँ, इसमें से आवाजें भी आ रही हैं। अच्छा, वहाँ की इसमें से बच्चा निकलेगा, तो ये रख दो, इसको सुबह इंशाल्लाह बच्चा होगा। और देख लेता हूँ, मरा पड़ा है सिपेन। देखो ये इसका सारा का सारा पहले, हाँ, काफी पहले मरा हुआ है, ये एक्सपायर हो चुका है काफी पहले का। वो दूसरा तो निकल रहा है, उसमें से आवाजें थी। अगर ये ठीक होता ना, ये इतना छोटा काफी बना होता और ये हिल रहा होता। देखो मरा हुआ है ये बेचारा, और काला हुआ पड़ा था फूल। तो खैर दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। बेचारी मुर्गियां अपना घर ढूंढ रही हैं, और इसके अंदर थोड़े जो कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी खा रही हैं साथ साथ। तो बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। इंशाल्लाह फाउंटेन भी बनवाएंगे, मेरा दिल सारा थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार बनवाऊंगा जरूर, सिपेन साथ देगा मेरा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।